हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये दो कलर्स के धागे से फ्लावर बनाएंगे। तो पहले इस तरीके से हमने येलो वाले धागे को इस तरीके से मैजिक रिंग बना लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है, उसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया करनी है, पांच सिंगल क्रोशिया। चलिए हम आप लोगों को पाँच सिंगल क्रोशिया बनाकर दिखाते हैं। पाँच सिंगल क्रोशिया बन गया है और इसे हम इस तरीके से फर्स्ट वाले चेन में इस तरीके से इसमें जॉइंट कर देंगे, यानी लॉक लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा धागा जो है वो खुले ना। उसके बाद हम फिर से एक चेन लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से इसमें दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम हर एक चेन में हमें दो सिंगल क्रोशिया करनी है। तो ये जो हमारा सेकेंड राउंड है, ये हमारा 10 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। हमने पहले 5 सिंगल क्रोशिया बनाया था, अब हर एक चेन में हमें डबल सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी कि दो सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमारा 5 और सेकेंड वाले राउंड में हमारा 10 हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें थर्ड वाले राउंड भी बना लेनी है। थर्ड वाले चेन में बनाने से उसी तरीके से करना है। हमारे टोटल यहाँ 10 सिंगल क्रोशिया हैं, इसमें हमें हर एक चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारा टोटल 20 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। चलिए आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। टोटल 20 सिंगल क्रोशिया बन गया है। रही हमने एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया है। जो हमारा धागा बचा हुआ है उसे हम इस तरीके से इसमें बांध लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे अंदर की साइड से इस तरीके से इसमें क्रोशिया के हेल्प से डाल देंगे, ताकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो धागा है वो बाहर ना निकले, अंदर ही सेट हो जाए। बन गया है। इसके बाद हमें ये रेड वाले धागे से फ्लावर का पेटल्स बनाने हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस रेड वाले धागे में चेन बना लेंगे और उसे हम येलो वाले कोड में, येलो वाला जो हमने वो डिज़ाइन बनाया है, इसमें हमें इस तरीके से इसे लॉक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ टोटल 7 चेन चाहिए। हम 7 चेन बना करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये हमारा टोटल 7 चेन का बना है। और इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया निकालते हुए जाएंगे सारे चेन में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर चेन बना लिया है। उसके बाद हमें इस तरीके से चेन से हर एक चेन में लॉक करते जाना है, जो कि हमने सिंगल क्रोशिया लिया था। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला डिज़ाइन बन गया है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर निकालते जाना है सिंगल क्रोशिया, और फिर हमें वापस से एक एक सिंगल क्रोशिया लॉक करते जाना है चेन बना करके। तो चलिए हम आप लोगों को ये बना करके दिखाते हैं। इस तरह हमें 2 से 3 बार इसी स्टेप को करना है, जिससे कि हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। चलिए हम आप लोगों को बना करके दिखाते हैं ये डिज़ाइन।
ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया। और इसे हमें ये लास्ट वाले जो है सेम जैसे फर्स्ट में जो चेन बनाया था सेम उसी तरीके से चेन बना करके इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से वही सेम प्रोसेस बनानी है जैसा कि हमने पहले बनाया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पेटल बन गया है। चलिए हम आप लोगों को ये पूरा पेटल बना करके दिखाते हैं। फ्लावर बन करके रेडी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।